दोस्तों 2 अक्टूबर को हम गांधी जी की जयंती मनाने के साथ साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाते हैं। जी हाँ, ये वही शास्त्री जी हैं जिन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, लेकिन हमने बहुत ही कम तवज्जो इनको दिया है। आज के इस वीडियो में हम शास्त्री जी के जीवन की 5 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। इसके लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो स्वतंत्रता की लड़ाई में जब वह जेल में थे, तब उनकी पत्नी चुपके से सबसे छिपाकर उनके लिए 2 आम ले आई। इस बात पर शास्त्री जी खुश होने के बजाय उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ ही धरना दे दिया। शास्त्री जी का तर्क था कि कैदियों को जेल के बाहर की कोई चीज खाना कानून के खिलाफ है। उनमें नैतिकता इस हद तक कूट कर भरी थी कि एक बार जेल से उनको बीमार बेटी से मिलने के लिए 15 दिन की पेरोल पर छोड़ा गया, लेकिन बीच में ही उनकी बेटी चल बसी। तो शास्त्री जी वह अवधि पूरी होने से पहले ही जेल वापस आ गए। इनके जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, दोस्तों शास्त्री जी कभी भी जात पात में यकीन नहीं करते थे। यही वजह है कि कायस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने नाम के पीछे कभी सरनेम नहीं लगाया। आप सोच रहे होंगे कि उनका पूरा नाम तो लाल बहादुर शास्त्री है, तो मैं आपको बता दूं, शास्त्री उनकी उपाधि है जो उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ाई के बाद मिली। कहने का मतलब ये है कि काशी विद्यापीठ से संबंधित विषय से पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को शास्त्री की उपाधि मिलती है, और वह दहेज के खिलाफ थे। अपनी शादी में उन्होंने मात्र एक चरखा और कुछ मीटर खादी ली थी, लेकिन उनके ससुर दहेज देने पर जोर दे रहे थे। उनके जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना, 1964 में जब वह प्रधानमंत्री बने, तब देश में खाने की चीजें आयात करता था। उस वक्त हमारे देश का समझौता अमेरिका के साथ था। भारत कृषि प्रधान देश था, लेकिन भारत इतना भी अनाज नहीं उगा सकता था या उगा पाता था कि वे अपने देश के नागरिकों की पूर्ति कर सके। उस वक्त पीएल 480 स्कीम के तहत नॉर्थ अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हमारा, और उसी वर्ष देश में भयंकर सूखा पड़ा। एक तो युद्ध, ऊपर से सूखे की दोहरी मार। तीसरा, जब भारतीय सेना लाहौर में हमला करने के लिए घुसी, तो पाकिस्तान ने भारत को धमकी भरे लहजे से कहा कि युद्ध रोक दिया जाए, क्योंकि लाहौर में अमेरिका के कुछ नागरिक भी थे। अमेरिका ने जोर देते हुए भारत से कहा कि कुछ समय के लिए युद्ध विराम की घोषणा की जाए, जिससे कि हम अपने नागरिकों को निकाल सकें। लेकिन इस छोटे कद के व्यक्ति ने बड़ा ही साहसपूर्ण निर्णय लिया और युद्ध को नहीं रोका, बिना इस बात से घबराए कि हम अनाज के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। और इसी समय उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया और पूरे देश की जनता से आह्वान किया कि वह एक दिन का उपवास रखें। इससे देश में अनाज की बचत होने लगी। महिला सशक्तिकरण के लिए भी शास्त्री जी के कार्य सराहनीय हैं। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महिलाओं को कंडक्टर बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, तो वह शास्त्री जी हैं। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर सबसे पहले उन्होंने इस इंडस्ट्री में महिलाओं को बतौर कंडक्टर लाने की शुरुआत की। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर आज के दौर में जो वाटर कैनन अर्थात पानी की बौछारें की जाती हैं, ये भी सुझाव शास्त्री जी ने दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके जीवन के सबसे आखिरी समय की, जिसने पूरी भारत की जनता को हिलाकर रख दिया। समय था 1965, भारत पाकिस्तान की जंग खत्म हो चुकी, खत्म होने वाली थी, या यूं कहें कि शास्त्री जी पर पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।
के लिए उन्होंने रसिया के ताशकंद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और रसिया के जिस शहर में गए उसका नाम था ताशकंद। इसके ठीक एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को खबर आई कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस पर अभी भी संदेह बरकरार है और हाल ही में उनके परिवार ने उनकी मौत से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग की है।